डिनर टाइम। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। म्यूजिक के अंदर जादू है। सो आज का व्लॉग है डिनर व्लॉग, और आज मैं बनाने जा रहा हूँ लौकी। और लौकी मेरी इतनी फेवरेट है, क्या ही बताऊं कितनी फेवरेट है। और जब से मैं घर से दूर आया हूं ना, लौकी, करेला, तुरई, आई जस्ट लव ये सब्जियां। सो लेट्स डू इट। शिवम ने प्याज टमाटर सब कुछ काट दिया, सॉरी सिर्फ प्याज और लहसुन चॉप चॉप कर दिया है, और इसको मैं छिलने जा रहा हूँ, क्योंकि जब वो छिलता है तो बहुत अच्छे से नहीं छिलता, तो मजा नहीं आ रहा मुझे। तो आई एम गोना डू इट एंड लेट्स गो। तो शिवम, तुम्हें लौकी पसंद है? लौकी थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। तो गाइज, शिवम का थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। शिवम, अपने बारे में बताओ। हाय, मेरा नाम शिवम है। आप लोगों ने देखा होगा पहले ब्लॉग में। हाँ, लेकिन लोग नहीं जानते कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, और आप कब आए मुंबई, ये सब आपकी जर्नी नहीं जानते लोग। यस यस, मैं बिहार से हूँ, और मैं आया हूँ, 4 महीने हो गए मुझे। तो हम लोग साथ ही एक ही टीम में है हम लोग, है ना। तो शिवम, के तुम्हें कैसा लग रहा है मुंबई में? अच्छा लग रहा है, थोड़ा अपनापन लग रहा है। और तुम्हारी जो जर्नी रही अभी तक की, कैसी रही जर्नी? जर्नी अभी सही चल रही है, और अभी तो और सफर स्टार्ट हुआ है अभी। सो लौकी कट चुकी है, अब करेंगे फायर। फायर हो चुका है स्टाइल में, और इसको कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म होने के बाद डालेंगे तेल, कुछ मसाले, प्याज को हल्का सा ब्राउन होने देंगे, उसके बाद लौकी, और इसके बाद आज रोटी बनाएंगे। बहुत टाइम बाद, काफी टाइम से राइस खा रहे थे, क्योंकि राइस बहुत इजी टू क्विक होता है, इजी टू कुक होता है, और रोटी बनाने में काफी मशक्कत होती है। पहले आटा गूंथो, और इन सबको कुछ आता है नहीं, सब निकम्मे हैं, और उसमें भी नखरे दिखाते हैं, अरे क्या रोटी बनाती है। खैर कोई नहीं, बात तो पुराना सब देख रहा है। आज रोटी भी बनाएंगे और लौकी भी बनाएंगे, और मोहब्बत से खाएंगे। मोहब्बत बांटो, सिर्फ मोहब्बत, नफरत तो है दुनिया में ऑलरेडी। लेट्स फ्राई द प्याज। वो गर्म हो चुका है, अब थोड़े से प्याज, और ये सब खाने के साथ इसमें जो भी मसाले जा रहे हैं, और उसमें साथ साथ जा रही थोड़ी सी मोहब्बत जा रही है, और थोड़ा सा प्यार जा रहा है, और थोड़ा सा हमारा हाथ का स्वाद जा रहा है। प्याज भुन चुका है, अब डालेंगे लौकी। ये हो गया, अब इसको थोड़ा सा घुमाएंगे और आँच हल्की सी कम करेंगे। अब आ गया है वक्त मसाले डालने का, तो हल्का सा धनिया पाउडर और हल्दी, ये भी मोहब्बत में जाएगी। नमक स्वाद अनुसार, तो पैक कर देंगे, उसके बाद आटा गूंथते हैं। पैक अजिन की इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। आटा गूंथना बहुत मुश्किल होता है, और बचपन में या जब तक घर से बाहर नहीं निकले थे तो सीधे बोल देते थे कि आज मजा नहीं आया खाने में, क्या बनाया, ये सब बनाया, वो सब बनाया, लेकिन बहुत मेहनत लगती है खाना बनाने में। सेकंड्स में बोलना कि मज़ा नहीं आया खाना खाया, बहुत बेकार खाना बनाया, बहुत ईजी होता है ऐसे बोलना, बट खाना बनाने बहुत मेहनत लगती है। हैट्स ऑफ टू द मदर्स ऑफ इंडिया एंड द सिस्टर्स ऑफ इंडिया, उन सभी गृहिणी को बहुत बहुत सलाम है जो निकम्मे लड़कों को, निकम्मे बच्चों को, भाई बहनों को खाना खिला रही है। सलाम है उन औरतों को। अब आटा गुद चुका है, अब बनाएंगे रोटियां। सब्जी ऑलमोस्ट बन चुकी है, अब रोटियां बेलते हैं। गाइस, रोटी एकदम गोल बनेगी, नेपाल का मैप नहीं बनेगा, डोंट वरी। और कमेंट्स में बताइए रोटी कैसी बेल रहा हूं मैं। वाओ गाइस, रोटी देखो क्या फूली है, पृथ्वी की तरह एकदम गोल गोल। आज डिनर में सिर्फ शिवम और मैं हैं। खाना ऑलरेडी सब कुछ बन चुका है, रोटी वोटी सब हो गई है, और पाजी आज आए हैं लंगर से। पाजी आए। यार लंगर बहुत अच्छा था, मैंने लोगों को बोला भी था कि लंगर छक लो, तो पता नहीं फ़ोन कट गया, नेटवर्क खराब हो गया, या इनकी किस्मत खराब हो गई, मुझे पता नहीं। अब लंगर में क्या बना था, दाल मखनी ठीक है, बहुत टेस्टी बनी थी। इनको जला रहा हूँ, वो भी खाने बना रहे लोग, और साथ में मटर आलू की सब्जी। और ठीक है बाजी, ओके बाय बाय। तंदूरिया रोटियां। आज है डिनर, इट्स अ म्यूजिक डिनर, या विद पाजी। पाजी
दस दो मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी किसी दिन बनेगी हमारी कहानी मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी किसी दिन गाने सुनने हैं और ऐसे ही अगर जैमिंग करनी है तो गौरव बोरा का चैनल आप साथ साथ फॉलो सब्सक्राइब तवाई में जाके शेयर कर दो और पूरे हिंदुस्तान में पहुंचा दो क्योंकि म्यूजिक के अंदर जादू है। जो बोले सोनिया अरे रुक रहा फिर से करते हाँ एडिट होगा हाय मेरा दिल हाय मेरा दिल जलकरिया नजरा तो चोरी चोरी मिल हाय मेरा दिल हाय मेरा दिल। दोस्तों अनजान शहर में रह रहे हम लोग अनजान लोग बन के मिलते हैं यहाँ पे और तेरे दोस्त भाई रिश्तेदार फैमिली सब बन जाते हैं। आने से पहले मुझे तो लगा था कि यहाँ पे मैं एडजस्ट कैसे करूँगा लेकिन फिर गौरव जैसे लोग मिलते हैं शिवम जैसे लोग मिलते हैं जगवीर जैसे लोग मिलते हैं जो पता लगता है कि हाँ फैमिली बाहर भी होती है सिर्फ घर में नहीं होती है। अब फैमिली बाहर आ गई है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं कॉलेज लाइफ जी रहा हूँ। वाओ अब कॉलेज लाइफ के अंदर बातें क्या चलती हैं पापा वाली बातें चलती हैं बैठे हैं मिलते सब यार अपने सबके दिलों में अरमां ये है हर एक नजर का सपना ये है कोई इंजीनियर का काम करेगा बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है पापा कहते हैं सबके बच्चे अच्छा काम करेंगे लाइक हम तीनों ने इनिशिएटिव लिया आप लोग भी करेंगे। हम एक्टिंग फील्ड से आप किस फील्ड से कमेंट बॉक्स में बताइए पूरे देश में आवाज जानी चाहिए ये कोई भी गा दो। इट्स डिनर टाइम लौकी की सब्जी रेड सीट वाओ जितना मधुर ये संगीत है उतना ही स्वादिष्ट भोजन भी है वाओ क्या बात है।
गाइज डिनर हो चुका है, बहुत मज़ा आया मधुर संगीत के साथ और स्वादिष्ट भोजन के साथ। अब सोएंगे, आप लोगों को गुड नाइट बोलेंगे और फिर नई शुरुआत कल के सुबह सूरज के साथ। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है और सोने के बाद ही सुबह होती है। तो थैंक यू सो मच, keep watching my vlogs, thank you so much for your time and for your love, thank you so much, bye.